दोस्तों न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें एकमात्र टेस्ट खेलने के लिए भारत आई थी। ग्रेटर नोएडा में खेले जाने वाला ये मैच बिना कोई गेंद डाले ही रद्द हो गया। टेस्ट क्रिकेट के 91 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई टेस्ट मैच बिना कोई गेंद डाले ही रद्द हो गया। पहले 3 दिनों तक तो बारिश नहीं हुई ग्रेटर नोएडा में, लेकिन पहले से जो बारिश हुई थी उसी को सिखाने में वहां के स्टाफ को 3 दिन लग गए और बाकी के 2 दिन बारिश आ गई, जिसके कारण ये मैच बिना टॉस के ही रद्द हो गया। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा के ग्राउंड और उसके फैसिलिटी पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो यहां तक बोल दिया है कि वो आज के बाद कभी भी दोबारा ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे, क्योंकि यहां ना तो स्टेडियम की फैसिलिटी अच्छी थी और ना ही यहां भोजन की व्यवस्था ही ठीक से की गई थी। इससे बेहतर क्रिकेट स्टेडियम तो अफगानिस्तान में है, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भूल गया है कि जो भी अफगानिस्तान में अच्छे स्टेडियम की वो बात कर रहा है वो बिना बीसीसीआई के संभव नहीं हो पाता। हालांकि जो तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से निकलकर सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि इस स्टेडियम की व्यवस्था में सुधार की काफी ज्यादा जरूरत है। भारत जैसे देश जहां पर क्रिकेट को इतना ज्यादा फॉलो किया जाता है, जहां बीसीसीआई जैसी क्रिकेट बॉडी है, उसके बावजूद यहां स्टेडियम को सुखाने के लिए इलेक्ट्रिक फैन का यूज किया जा रहा था और तो छोड़िए इसके पिच को ढकने के लिए टेंट का यूज किया जा रहा था जो कि शादी विवाह में यूज होता है। वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कैटरिंग स्टाफ खाना बनाने के लिए वॉशरूम का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही है। जब अफगानिस्तान ने बीसीसीआई से भारत में खेलने की बात की थी तब उन्होंने 2 क्रिकेट स्टेडियम में खेलने की इच्छा जताई थी, एक लखनऊ के इकाना स्टेडियम में और दूसरा देहरादून। चूंकि दोनों ही राज्यों में अपनी अपनी T20 लीग चल रही है इसलिए बीसीसीआई ने इन दोनों ग्राउंड को देने से मना कर दिया। हालांकि इसके बाद बीसीसीआई ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने 3 ऑप्शन रखे हैं, बेंगलोर, कानपुर और ग्रेटर नोएडा, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा को चुना। इसके 2 रीजन है, एक तो दिल्ली के पास है इसलिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं होगी और दूसरा यहां से काबुल की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और अफगानिस्तान की टीम पहले भी यहां आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ क्रिकेट खेल चुकी है। अब मौसम किसी के हाथ में तो है नहीं और वैसे ही भारत में मॉनसून चल रहा है। हाँ, ग्रेटर नोएडा के क्रिकेट स्टेडियम में सुधार की गुंजाइश जरूर है, लेकिन एक खबर तो ऐसी आ रही है जो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए इससे भी बुरी है। एक तरफ जहां नए नए देश जो क्रिकेट के बारे में जानते भी नहीं थे वो भी क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि अफगानिस्तान क्रिकेट पर पूरी तरह से बैन लग सकता है। दरअसल अफगानिस्तान में अभी तालिबान की सरकार है जो पहले ही महिलाओं को किसी भी खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। अब खबर यह आ रही है कि एक तालिबानी लीडर ने पूरे क्रिकेट को ही अफगानिस्तान से बैन करने का आदेश दे दिया है। अगर ये खबर सही साबित होती है तो अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ साथ ये पूरी क्रिकेट कम्युनिटी के लिए एक तगड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट ने जिस तरह से ग्रोथ किया है वो काबिले तारीफ है। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल में पहुंचते रह गए थे और उन्होंने पाकिस्तान जैसी टीम को हराया था, लेकिन 2024 T20 वर्ल्ड कप में तो अफगानिस्तान एक कदम आगे बढ़कर सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी और उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को भी हराया था। राशिद खान, मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी उनके पास मौजूद हैं जो कि दुनिया भर की लीग में जाकर अपना लोहा मनवा चुके हैं। अफगानिस्तान जैसे आसान देश में एक क्रिकेट ही है जो थोड़ा बहुत सुकून लेकर आता है उनके लिए, ऐसे में वहां क्रिकेट पर बैन लगने की खबर ने सबको दुखी कर दिया है। तालिबान के मुताबिक क्रिकेट की वजह से देश में गलत माहौल पैदा हो रहा है जो कि शरिया के खिलाफ है। खैर, भगवान इन तालिबानियों को सद्बुद्धि दे। इसी प्रार्थना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाएं।